अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो पूरी दुनिया में मईशियत के लिहाज से सबसे मजबूत और ताकतवर मुल्क है और जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये मुल्क दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने सबसे ज्यादा शेयर रखता है। और ये मुल्क दुनिया में एक छोटा सा मुल्क है मगर इसके बारे में कहा जाता है स्मॉल कंट्री बिग हार्ट। और इस मुल्क के शेख दौलत के मामले में पूरे अरब के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं। और इस मुल्क में मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूमकर और नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यह आपका खुलूस से मोहब्बत होती है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुवैत इस जजीरा नुमा मुल्क का नाम अरबी लफ्ज़ कूत से आया है। कूत एक किले को कहा जाता है जो पानी के किनारे तामीर किया जाए। और एक रिवायत के मुताबिक कूत इस इमारत को भी कहा जाता है जहां असला जमा किया जाता है। कुवैत जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी में दौलतुल कुवैत कहा जाता है। खलीज अरब के जनूब मगरिब में वाक़े जजीरा नुमा मुल्क का शुमार दुनिया के नहायत छोटे मुल्कों में होता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में इराक, जनूब में सऊदी अरब और शुमाल मगरिब में खलीज फारिस वाक़े है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है और इस मुल्क का सबसे जदीद और खूबसूरत शहर भी है। और ये शहर कुवैत का मेन ट्रेड सेंटर भी है। कुवैती कई मल्टीनेशनल कंपनियों में शेयर्स होल्डर हैं, जिनमें मर्सिडीज, फोर्ड्स, होंडा, Q8 और बहुत सी पेट्रोलियम कंपनियां वगैरह हैं। ये मुल्क मईशियत के लिहाज से पूरी दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क है। और इस मुल्क में तेल की दरियाफ्त 1938 को हुई और तेल की दरियाफ्त से पहले इस मुल्क के लोग रानी कश्ती बनाया करते थे और उस वक्त पूरी दुनिया में रानी कश्ती की बड़ी मांग हुआ करती थी। और दूसरे खलीजी मुल्क वालों की तरह कुवैती भी समंदर के अंदर से मोती चुनते थे। मोतियों के बेपारी तवाशीन के नाम से जाने जाते थे जो इस वक्त इनकी मईशियत की बुनियाद थी। दोस्तों कुवैत की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, नेपाली, फिलिपिनी, इंग्लिश, तुर्की जबानें बोली जाती हैं। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुवैती कम है और गैर मुल्की ज्यादा है। मुल्क में सिर्फ 30.4% कुवैती है, 27.4% मिस्री, सूरी, उर्दनी, 40.3% पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, 1% अमरीकी, 0.9% यूरोपी लोग आबाद है। और इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। मुल्क की 85% आबादी मुसलमान है और इस मुल्क में 10% ईसाई भी मौजूद हैं। और इस मुल्क के आईन के मुताबिक दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों को मुकम्मल आजादी और तहफ़ुज़ात हासिल है। कुवैत का अपना जमीनी साफ पीने वाला पानी नहीं है। ये मुल्क समंदर के पानी को ट्रीट करके पीने के काबिल और जरूरियात जिंदगी के काबिल बनाता है। जमीनी पानी ना होने के बावजूद इस मुल्क में आज तक पानी का बुरहान नहीं हुआ। इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर बादशाहत कायम है। 1962 के आईन के मुताबिक मुल्क में शेख अल मुबारक अल सालिम अल सबा की आल की बादशाहत होगी। मुल्क का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े बड़े इख्तियारात को अपने हाथ में रखता है, जैसे कि वजीर को तब्दील करना, मुल्क की तरक्की के बड़े बड़े फैसले करना और वजीर का इंतखाब करना शामिल है। मुल्क के मौजूद बादशाह शेख मशल अल हम्द अल जाबिर अल सबा है। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आजादी हासिल की। कुवैती अपना आजादी का दिन बहुत जज्बे और जोश और खरोश से मनाते हैं। इस मुल्क में आतिशबाजी होती है। इस मुल्क के लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकल आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और इस दिन मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ खाने भी बांटे जाते हैं। और इस मुल्क में जो जिस तरह रहना चाहे वो रह सकता है, कोई मसला नहीं। हर शहरी को आजादी हासिल है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर। कुवैत की सरजमीन पर पैदा होने वाले हर दिल अजीज शख्सियत कुवैती यूनिवर्सिटी अल मदीना से तालीम हासिल करने वाले और ग्रैंड मॉस्क ऑफ कुवैत के इमाम मशारे रशीद अल फासी हैं। उनको अरब की खूबसूरत तरीन आवाज का ऑस्कर भी दिया गया है। इनकी तिलावत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सुना जाता है। इनकी आवाज में कुरान पाक की तिलावत कानों में रस घोलती है और सीना मुनव्वर होता है। कुवैत की कुल आबादी 42,94,621 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 137वां मुल्क है। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। 22 फरवरी 1938 में पहली बार तेल बरगान की रेतीली जमीन में दरियाफ्त हुआ। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खित्ता है जहाँ कुदरती तेल की वाफिर मकदार मौजूद है। तेल के बाद कुदरती गैस मुल्क की मईशियत को बहुत मजबूत बनाती है। कुवैत हर साल 60 अरब डॉलर का ऑयल और फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को फरोख्त करता है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। कुवैत अपनी मछली हमसाये ममालिक में भी एक्सपोर्ट करता है और अच्छी खासी कमाई करता है। कुवैत दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है। इसका सालाना GDP 5 अरब डॉलर है और यहाँ
यहाँ की फीकस आमदनी $80,900 है। कुवैत की करेंसी दिनार है। इस करेंसी की इतनी वैल्यू है कि इसके आगे डॉलर माथा टेकता हुआ नजर आता है और ये करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल करेंसी है। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत मुल्क की भी एक अपनी सकाफत है जो दूसरे अरबों से मिलती जुलती है। बेशक ये आज का जदीद और फास्ट तरीन मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी सकाफत, अपनी पुरानी रवायतों को नहीं भूलते। मगरबी असर से तहजीब की तब्दीली आम लहर चली है। इसके बावजूद कुवैतियों में कौमी लिबास और इस्लामी की पासदारी देखने को मिलती है। कुवैती सदियों से अपनी रवायत नहीं भूले। शादियाँ खूब एहतमाम से की जाती हैं। मेहमानों के लिए मार्कियाँ बुक की जाती हैं। शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है। दुल्हा अपने रिवायती लिबास में मबलूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कुवैती करता है। मर्दों का लिबास तंदूरा, तशतशाऊ और गोतरा है। औरतें अमूमन स्याह अबाया पहनती हैं। शादी में जाते हुए रास्ते में कुवैती रिवायती रक्स और खुशी का इजहार करते हैं और मेहमानों के इस्तकबाल में माथा चूमकर नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। इनकी मजलिसों में नीचे कालीन बिछा होता है जिसकी दीवारों के साथ नरम सोफा गद्दियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आराम से बैठा जा सके। मजलिसों में अरबी कहवा, गहवा दोनों मौजूद होते हैं। साथ में खजूरें और खुश्क मेवाजात साल के 12 महीने 365 दिन मौजूद होते हैं जो आने वाले मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। कुवैत में दौलत की फरावानी के बावजूद यहाँ के लोगों में सादगी और अपने कल्चर से मोहब्बत देखने को मिलती है। कुवैत की सबसे लंबी जमीनी सरहद इराक के साथ 254 किलोमीटर लगती है। 500 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिली समंदर होने की वजह से हर साल तूफानी बारिशों का शदीद खतरा रहता है। कुवैत में ऊँटों की रेस, घोड़ों की रेस बहुत शौक से खेली जाती है। कुवैती शेख इतने अमीर हैं कि हर साल अपने ऊँटों और घोड़ों पर लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। घोड़ों और ऊँटों की रेस के दौरान बहुत बड़े बड़े जुए लगाए जाते हैं और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जुएबाज यहाँ शिरकत करते हैं। कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। कुवैती लोग क्रेज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। कुवैत का कौमी जानवर ऊँट है और कौमी परिंदा वालकन है। कुवैत में लोग लाखों नहीं करोड़ों मलकियत के बाज शौक से पालते हैं और फिर इनसे शिकार करवाते हैं। इनके खाने से लेकर डॉक्टर तक मुहैया किए जाते हैं। कुवैत में बैली डांस को बहुत पसंद किया जाता है और इस मुल्क में नाइट क्लब भी मौजूद है जो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का तवज्जो का मरकज भी रहता है। दोस्तों, कुवैत में शराब बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। कुवैत में टोटल 7 एयरपोर्ट्स हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है। कुवैत में रोड का वसी जाल फैला हुआ है और ड्राइविंग लेफ्ट साइड है और रोड पर स्पीड लिमिट है और इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र 80 साल है। कुवैत में होटल और रेस्टोरेंट का काम बहुत ज्यादा है और यहाँ खाने और रिहाइश महंगी है। अरबी लोग मंदी, खपसा, मछली, ऊँट का गोश्त और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस मुल्क के बारे में दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो। मेरे नए आने वाले दोस्तों से दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपकी खुलूस से मोहब्बत होती है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।